नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है जो है कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर आज के दिनांक 19 अप्रैल में दिया गया है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है बिहार सरकार द्वारा कि 2216 नियमित पद की बहाली जो होगी उसकी जो वैकेंसी है वो आपकी इलेक्ट्रीशियंस में 331 पद है, जिसमें ये वैकेंसी मई तक आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। पिछले साल भी हो रहा था कि वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे सरकार का जो बदलाव हुआ हेरफेर उसकी वजह से वैकेंसी में फिर से रुकावट आ गई। तभी देखते हैं क्या होता है कि आज के न्यूज़पेपर में जो खबर दी गई है इसमें कहा गया है सरकारी ITI में नियमित इंस्ट्रक्टर बहाली के पिछले 9 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत देने वाली खबर है। 149 ITI में मई तक 2216 पद के लिए वैकेंसी आएगी। 201 पद की वैकेंसी, क्योंकि इससे पहले 2406 वैकेंसी वहाँ पर आनी थी। ठीक है, तो 2406 में से 2216 पद आएंगे। 201 पदों की वैकेंसी बाद में आएगी। सामान्य प्रशासन और विभाग तकनीक सेवा आयोग की अलग अलग क्वायरी का जवाब देने के बाद अब वैकेंसी आने की सभी बाधा दूर हो चुकी है। ठीक है, मैंने बहुत सारी क्वेरीज थी कि क्या क्या इशू रहेंगे इसमें, तो उससे रिलेटेड जो क्वेरीज थी वो सारी क्वेरीज अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब 39 ट्रेड में 2116 वैकेंसी आएगी, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की है। इलेक्ट्रीशियन के देखिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए बढ़िया और सुनहरा मौका है कि जिसमें 331 पद आने वाले हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुसार इंस्ट्रक्टर बहाली की वैकेंसी निकालने की तैयारी अंतिम चरण में है। तकनीकी सेवा आयोग ने श्रम संसाधन विभाग को भरोसा दिया कि आवेदन लेने के बाद जल्द कंप्यूटर टेस्ट करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से सामान्य माध्यम से परीक्षा लेकर रिजल्ट दे देगा। पिछले साल राज्य सरकार की संख्या में 40 से बढ़कर 149 हुई है। सरकारी ITI की संख्या वहाँ पर बढ़ा दी गई है, जिससे कि 149 ITI हो गई हैं, लेकिन नियमित इंस्ट्रक्टर नहीं होने से पढ़ाई बाधित हो रही है। सरकारी ITI में अभी नामांकन लगभग 24,000 हैं। सरकारी ITI में जो भी नामांकन है वो अभी 24,000 करीब है। यह है कि संशोधन नियमावली बहाली में संविदा वाले इंस्ट्रक्टर को 1 वर्ष के लिए 5 और अधिकतम 25 अंक मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो संविदाकर्मी पहले से काम कर रहे हैं उसमें उनको 25 अंक तक मैक्सिमम दिया जा सकता है। ठीक है, 35% महिलाओं को और 2% स्वतंत्रता सेनानी वाले लोगों के नाती पोतों को दिया जाएगा, आरक्षित रहेंगी। नई नियमावली के अनुसार पहले संविदा का पर कार्य करने वाले इंस्ट्रक्टर को उम्र में छूट का प्रावधान होगा। अनुभव के अनुसार आधार पर 1 वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक का ग्रेस मिलेगा। 4 वर्ष पहले श्रम कल्याण में नई गाइडलाइन जारी की थी कि जिसमें CTI डिग्री बिना इंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जा सकता। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जिसके पास CITS होगा वही इसमें एलिजिबल होगा। ठीक है, इसमें पद देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में 331 पद हैं, फिटर में 264 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 263 पद हैं, IT एंड ESM इसमें 239 पद हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 182 पद हैं, वेल्डर में 176 पद हैं, मैकेनिक डीजल में 174 पद हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 166 पद हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली जो पोस्टें होती हैं और वर्कशॉप कैलकुलेशन वाली पोस्टें इसमें डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स ही एलिजिबल होते हैं, ITI होल्डर्स इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद प्लम्बर में देखिए 70 पोस्टें हैं, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक कुछ लिखा हुआ है 46 पद हैं, टर्नर मैकेनिस्ट वायरमैन में 31 पद है। वायरमैन में आपके हो सकता है कि इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, अब वहाँ की विज्ञप्ति के अनुसार पे उस पर देखा जाएगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर RAC वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 24 पोस्टें हैं, सामान्य हेल्थ केयर के लिए 18, MS में 16 पद हैं, फाउंड्री मैन में 16 पद हैं, टेक्नीशियन एग्रीकल्चर में 10 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन डिस्ट्रीब्यूशन में 10 पद हैं। उसके बाद मैकेनिक ऑटो वाइंडिंग पेंटिंग में 10, मैकेनिक ट्रैक्टर में, उसी तरीके से डिफरेंट पद हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अपने पद को किसमें कितना पद रहने वाला है। तो वैकेंसी से जुड़े सभी संशय दूर हो चुके हैं। ITI में यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे वैकेंसी से जुड़े जितने भी संशय थे वो सभी दूर कर दिए गए हैं। ITI में इंस्ट्रक्टर की बहाली के लिए वैकेंसी मई तक आने की पूरी उम्मीद है। विभाग का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द नियमित इंस्ट्रक्टर की ITI में नियुक्ति हो जाए, ताकि पढ़ाई और प्रशिक्षण सामान्य हो सके। वैकेंसी से जुड़े सभी संशयों का समाधान हो चुका है, अरविंद कुमार चौधरी, ये लिखा गया है उनके द्वारा ये जो जानकारी थी प्रवाद कर दी गई है। आपको यहाँ देख सकते हैं 2404 पद पहले आने वाले थे, 200 नियमित इंस्ट्रक्टर हैं, केवल लगभग 800 संविदा कर्मी यहाँ पे अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो 800 संविदा कर्मी हैं। प्रेफरेंस देखिए, कहीं ना कहीं उनको अगर 25 अंक मिल रहा है तो प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। और ये 800 संविदा कर्मी में आप मान के चलिए कि जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट्स हैं
इलेक्ट्रीशियन जो संविदा कर्मी होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा है भी हकीकत में कि उसमें इलेक्ट्रीशियन और फिटर के जो स्टाफ रहते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो अगर जितनी इलेक्ट्रीशियन के पद दिख रहे हैं तो उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो ये संविदा कर्मी भी उतने ही ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रीशियन और फिटर में होंगे। जितनी ज़्यादा इसमें सीट है उतने ज़्यादा इसमें संविदा कर्मी भी हैं। अगर इन दोनों सीटों को जोड़ा जाए तो इसमें आपके टोटल सीटें निकल के आ रही हैं 595 सीटें हैं, जिसमें कि 800 संविदा कर्मी, वो हो सकता है कुछ अदर ट्रेड्स में हो। तो संविदा कर्मियों की संख्या भी वहाँ पे करीब अच्छी खासी और बहुत ज़्यादा है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी से लेकर। अगर और कोई अपडेट मुझे मिलता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। इस तरह की जानकारी के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।